गांवों में सर्वतः चैव गवाम मध्ये वसाम्यहम्, यानी गायें मेरे चारों ओर रहे और मैं गायों के बीच निवास करूं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में विकास के विजन को साकार करने हेतु गौ धन के गौरव को बढ़ाने के इसी संकल्प के साथ पशुपालकों, किसानों, युवाओं, महिलाओं के उत्थान के लक्ष्य के साथ पूर्वांचल बन रहा है नई श्वेत क्रांति का उद्भव स्थान, जिसकी साक्षी बनेगी पावन नगरी काशी की धरती और बनास से बनारस तक की श्वेत क्रांति का आधार बनेगी गौ माता। क्योंकि दूध की श्वेत क्रांति से पूर्वांचल का विकास की पहल है बनास काशी संकुल, पूर्वांचल के विकास का संकुल। वैसे तो लखनऊ और कानपुर में बनास डेयरी द्वारा दो डेयरी प्लांट कार्यान्वित हो चुके हैं, लेकिन काशी में स्थित ये नव निर्मित संकुल कुछ खास है, जहां 10 लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता के साथ विविध प्रकार के दूध को विभिन्न साइज में पैक किया जाएगा। स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट्स को घर घर तक पहुंचाने के लिए फर्मेंटेड अनुभाग में 50,000 किलो दही, 75,000 लीटर बटर मिल्क एवं 15,000 लीटर लस्सी की होगी पैकिंग। और हाँ, यहाँ मुंह में पानी लाने वाली मिठाइयों का 10 टन क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा प्लांट है। यह भारत की उन्नत प्रयोगशालाओं में से एक प्रयोगशाला भी है। वैसे 10 लाख लीटर प्रतिदिन के प्रोसेसिंग एवं 1,80,000 के फर्मेंटेड मिल्क प्लांट स्वचालित है और यहाँ पनीर और आइसक्रीम जैसे डेयरी उत्पादों का भी प्रोसेसिंग होगा। कुल मिलाकर ये प्लांट डेयरी सेक्टर और इकोनॉमी को बूस्ट करने वाली एक बड़ी पहल बनेगा, जिससे किसानों को मिलेगी समृद्धि की गारंटी, महिलाओं को मिलेगी आर्थिक उत्थान की गारंटी, युवाओं को मिलेगी आत्मनिर्भरता की गारंटी और पशुपालकों को मिलेगी खुशहाली की गारंटी। क्योंकि मोदी सरकार की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की भी गारंटी, जिसकी नींव बनेगा बनास काशी संकुल, पूर्वांचल के विकास का संकुल।